नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली अगर आप आज मना रहे हो तो, और शेयर बाजार तो आज ही मना रहा है, तो शेयर बाजार के लोगों को स्पेशली मुहूर्त ट्रेडिंग की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपका मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहा होगा। वैसे तो अभी 6:49 का समय हो रहा है दोस्तों, जो भी वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 11 मिनट और बचे हैं मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में अभी, और मार्केट बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इनफैक्ट जैसा हमारा अनुमान था सैटरडे संडे जो ये निकला है कि भैया आपकी दिवाली अच्छी जा सकती है, बाजार में एक बाउंस बैक पुल बैक आ सकता है। निफ्टी लेवल्स पे देखें तो 24,075 के लोज लगे थे आपके लिए लास्ट फ्राइडे, अभी 24,300 है, तो नीचे से 275 पॉइंट ही भागा, ज्यादा कुछ नहीं, 225-200 पॉइंट। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स ने आपका मूड माहौल बना दिया, पोर्टफोलियो में अच्छा बाउंस बैक आया है। पहली और सबसे बड़ी बात कि भैया इसको बाउंस बैक ही समझना, और दूसरी बात हैप्पी दिवाली हो गई, चलो ठीक है, एक त्यौहार था, मार्केट ने उसको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट दी और अच्छी निवेशकों की दिवाली निकल रही है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। देखो शेयर बाजार जिंदगी भर चलता रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला, इसमें कभी ताला नहीं लगने वाला, लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ओकेशंस होते हैं जहां पे अगर पैसा बन जाए ना तो इंसान के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहते हैं यार। कल को लॉस हो जाए चलेगा, आज बन जाता ना बस, दिवाली अच्छे त्यौहार अच्छा है, सबके दिमाग में खुशियां हैं। जिसने आज मुहूर्त ट्रेडिंग पे निवेश किया है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में, उम्मीद करता हूं आपको पैसा बना के देंगे आने वाले समय में। और जिसने पहले मुहूर्त ट्रेडिंग सेशंस में पैसे लगाए थे, हल्का फुल्का बुक कराए, उनको कॉन्फिडेंस मिले और मोटिवेशन मिले कि भैया लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, इतना ही कहूंगा। और जो शॉर्ट टर्म में लॉस खा के बैठे हैं उनसे ये कहूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रुक के देखो, आपके पास डेटा है, जितना मर्जी रीड करो, डेटा आप समझ लोगे, पढ़ लोगे, सीख लोगे, लेकिन इंप्लीमेंट करना उतना इजी नहीं होता है शेयर बाजार में, ये हमेशा याद रखना। पहले मार्केट की अपडेट दे दूं तो शुरुआती कारोबार बहुत स्ट्रांग रहा। मैं हमेशा कहता हूं कि मुहूर्त ट्रेडिंग में कोई ट्रेड नहीं होता है, आपने ट्रेड लिया तो आप लॉस में हो गए हो, क्योंकि खुला बहुत अच्छा, और आई थिंक आज के दिन कोई शॉर्ट करना पसंद नहीं करेगा, तो जिसने भी लॉन्ग करा होगा इंट्राडे में वो खा गया मार, क्योंकि मार्केट में 24,368 के हाई लगे, अभी 24,290 ट्रेड कर रहे हो आप, डे लो पे ट्रेड कर रहे हो। लेकिन अच्छी बात है 80-90 पॉइंट अभी भी ऊपर हो निफ्टी पे, सेंसेक्स 300 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 185 पॉइंट्स ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स में लगभग 0.6% की तेजी है, और स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% अब देखने को मिल रहा है। मार्केट ब्रेथ सुपर स्ट्रांग, मजा आ गया, लगभग 1922 शेयर्स करंटली पॉजिटिव है, 400 शेयर्स केवल नेगेटिव है। एक ऐसा क्षेत्र नहीं है, नहीं है आईटी है जो अभी अभी जस्ट लाल निशान में फिसला है, कभी भी हरे में हो सकता है, अदरवाइज सब में तेजी है। ऑटो जो सबसे वीक सबको लग रहा था, आज ऑटो ही लीड कर रहा है, इसीलिए कह रहा हूं क्वालिटी है अगर तो गिरावट में खरीदो, खराब खबर पे खरीदो, अगले दिन क्या होगा किसी को नहीं पता, आज ऑटो की कोई बुराई नहीं करेगा ये सबको पता है, लेकिन एक्चुअली में ऑटो वीक है क्या, वीक है, लेकिन अभी जो ऑटो सेल्स नंबर आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, इस बार इस महीने अच्छे आ रहे हैं, यानी नवंबर में अक्टूबर सेल्स का नंबर बढ़कर आ रहा है, ये पॉजिटिव है दोस्तों। तो चीजें चलती रहेंगी, आपको सिर्फ कंपनी पे भरोसा रख के निवेश करना है। ऑटो सेक्टर लीड कर रहा है तेजी को, देन एनर्जी, देन रियल एस्टेट, देन पीएसयू बैंक्स, मेटल्स, मिड कैप सिलेक्ट, एफएमसीजी बैंक, मीडिया, ये आपके लिए तेजी को लीड करते हुए दिख रहे हैं। टॉप गेनर्स में कौन है, पॉली मेडिक्योर, बीएएसएफ, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, पीरामल फार्मा, जुबिलेंट फार्मा, मोतीलाल ओसवाल, एनसीसी, आइडिया, आईआईएफएल। दोस्तों एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा, कल मैंने आपके लिए दिवाली टू दिवाली 5 स्टॉक्स पिक करे थे, लोगों को वो स्टॉक्स पसंद नहीं आए ज्यादा, लेकिन उसमें एक स्टॉक था दोस्तों इकरा, जो 7,000 पे डिस्कस किया मैंने 8,000 के लिए, आपको ये जानकर बड़ा खुशी होगी कि आज स्टॉक ने हाई लगाया है 7,400 का, सिंगल डे में 400 रुपये भाग गया हमारा, मतलब 1,000 रुपए के मेरे टारगेट में 40% डन हो गया विद इन अ ट्रेडिंग सेशन। हालांकि वापस गिर भी गया, अभी केवल 7,200 पे दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस स्टॉक ने, 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छा गया अगर मैं अपने लेवल्स की बात करूं तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आईपीओ से रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक वारे एनर्जीज में आज बहुत अच्छा मूव देखने को मिला, 6% रॉकेट हुआ है वारे एनर्जीज। निफ्टी में केवल 6 स्टॉक लाल निशान में, डॉक्टर रेड्डी, एचसीएल टेक, ब्रिटानिया टेक, महिंद्रा, विप्रो, अदानी एंटरप्राइजेस, बाकी सब में तेजी, और एमएनएम कर रहा है तेजी को लीड, ओएनजीसी, अदानी पोर्ट्स, बीईएलबी,
उस तेजी को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। तो ये आपके लिए पूरा मार्केट था इस समय। टॉप लूजर्स भी हैं कुछ। रेनबो चिल्ड्रंस बड़ी तेजी के बाद आज थोड़ी करेक्शन में आता हुआ दिख रहा है। विजय डायग्नोस्टिक में हल्की करेक्शन है। विनति ऑर्गेनिक्स में हल्की सी 2.5% की गिरावट है। बाकी कोई कुछ खास ज्यादा नीचे है नहीं शेयर इस समय। टाटा मोटर्स 1% ऊपर देखने को मिला है। यूटीआई एएमसी में लाइफाई लगते हुए दिख रहे हैं आपको। सुवेन फार्मा, पिरामल फार्मा, पॉलीमोडिक मेडिक्योर, ये भी कुछ 52-week हाइज पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। रिजल्ट्स के दम पर मैंने आज आपके साथ कहा था एजीएस ट्रांजैक्ट में अच्छा मूव रहना चाहिए। अच्छा मूव रहा, 3% ऊपर था। हालांकि अभी 2% ही ऊपर दिख रहा है। बाकी नारायण हरदाल वीक नंबर थे, वीक परफॉर्मेंस भी रही, 1.5% नीचे। टाटा इन्वेस्टमेंट फ्लैट नंबर बोला था आपसे, स्टॉक फ्लैट टू नेगेटिव है, तो कोई खास मूव नहीं दे रहा है। बाकी बीएफ यूटिलिटीज के खराब नंबर लगे थे, लेकिन ये स्टॉक 1.5% ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पूरे बाजार का आज का एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आपके लिए। 6:55 का समय हो गया, अभी 5 मिनट रह गए बाजार बंद होने में, और इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इस समय मार्केट डे लो पे आता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो 0.25% से ज्यादा ऊपर था, अभी 0.8% ऊपर रह गया है। बट कोई इशू नहीं है भैया, खुश हैं, दिवाली अच्छी जा रही है, अच्छा पैसा बन रहा है, और मैं भी उम्मीद ये करता हूं कि आपका भी बन रहा होगा। बाकी की डिटेल्स आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, और आज आपके लिए एक और बार एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो भी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।